जनपद शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश के अनुसार पूरे जनपद में चेकिंग वाहन, अवैध शस्त्र बरामदगी और मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आज उप निरीक्षक नीरज कुमार सिंह, हमराह नरेंद्र शर्मा, साथ ही अमित कुमार, विष्णु कुमार सरकारी गाड़ी से क्षेत्र में गश्त चल रही थी और बंडा चौराहे पर पहुंचे थे। मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति ददीउरी मोड़ पर खड़ा है जिसके पास प्रतिबंधित चरस अफीम है, ग्राहक का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक नीरज कुमार द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस बल की सहायता से अभियुक्त मुन्ने पुत्र शहादत निवासी ग्राम शेरपुर कला थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मौके से 2 किलो 45 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,45,00,000 है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वो नेपाल के एक व्यक्ति से चरस खरीदकर बंडा पुवाया शाहजहांपुर पीलीभीत के आसपास क्षेत्र में होटल और ढाबों पर ट्रक चालकों से अच्छी मोटी रकम लेकर बेचा करता था। उसने बताया कि जिससे उसने चरस खरीदी थी उसने भी हमें सही पता नहीं बताया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से मादक पदार्थ बरामद कर लिया है और कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर से वीरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। आज सुबह बंडा पुलिस को मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से चरस लेकर जा रहा है। उसकी सूचना पुलिस द्वारा चेकिंग कराई गई, ददरी मोड़ पर एक व्यक्ति को रोका गया। उसके कब्जे से करीब 2 किलो 50 ग्राम अवैध रूप से चरस बरामद हुई जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये मुन्ने पुत्र शहादत जो कि पूरनपुर पीलीभीत का रहने वाला है, इसके द्वारा बताया गया, इसके द्वारा नेपाल से किसी के जरिए चरस मंगाई जाती थी, आसपास ढाबों और होटलों आदि में सप्लाई की जाती थी और इसको गिरफ्तार करके उचित धारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है।